मामले में विधानसभा अध्यक्ष से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। हम उनसे भी इस बारे में बातचीत करेंगे कि आखिरकार जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, जो मामले हैं, इस बारे में उनका क्या कहना है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक, तमाम जानकारी देने के लिए आपका। वहीं हरिद्वार में आयोजित होने वाले महाकुंभ मेले की अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है, इसलिए कुंभ मेला प्रशासन के साथ साथ जिला प्रशासन भी मेले की व्यवस्थाओं और आने जाने वाले गंगा स्नानों के लिए व्यवस्थाओं में जुटा है। आज जिलाधिकारी श्री रविशंकर ने हरिकी पैड़ी पहुंचकर गंगा घाटों का निरीक्षण किया और कई व्यवस्थाओं को परखा। जिलाधिकारी श्री रविशंकर ने कहा है कि आने वाले गंगा स्नान के लिए कोविड गाइडलाइन का पालन कराने के लिए गंगा घाटों पर पुलिस बल, पीआरडी और होमगार्ड तैनात किए जाएंगे। स्नान पर्व पर गंगा घाटों में भीड़ का दबाव ज्यादा होने पर श्रद्धालुओं को सीमित समय में स्नान करने के लिए कहा जाएगा, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था ना फैले। तक जो है तीन स्नान यहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी है, तो तीन स्नानों में जरूर श्रद्धालुओं का संख्या तो कम रहा है, मगर जो सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, ये एन्फोर्समेंट भी वैसे तो संतोषजनक रहा है, मगर उसको और इम्प्रूव करना चाह रहे हैं। तो इसमें प्रत्येक घाट में जो है पीआरडी और जो पुलिस और होमगार्ड्स और वॉलंटियर्स को जो है लगाने के लिए निर्णय लिए थे। श्री रविशंकर जो कि जिलाधिकारी हैं, वो प्रशासन के साथ आज पहुंचे और तैयारियों को जायजा लेते हुए नजर आ रहे हैं। महाकुंभ मेले को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं, बहुत कम दिन बचे हैं और ये महाकुंभ होने वाला है। भीड़ ज्यादा ना हो, भीड़ का दबाव ज्यादा ना हो, इसलिए भी सारी तैयारियां भीड़ नियंत्रण को लेकर, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर, किसी तरीके की कोई परेशानी अखाड़ा परिषदों को भी ना हो, इसलिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे हरिद्वार ब्यूरो चीफ राजकुमार फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजकुमार, कितनी तैयारियां नजर आ रही हैं इस महाकुंभ को लेकर? जी आदर्श, महाकुंभ को लेकर सरकार की ओर से जो है सभी तरह की तैयारियां तो की जा रही हैं, एसओपी का भी जो है गाइडलाइन दी जा रही है, लेकिन अभी सरकार ने जो है पूरी तरह से स्वरूप जो है मेले का क्या होगा और उस पर अभी जो है चिंतन और मंथन चल रहा है, अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं, लेकिन मेले की तैयारियां जो है युद्ध स्तर पर मेला प्रशासन और सरकार द्वारा की जा रही हैं। बिल्कुल, जाहिर तौर पर। और जिलाधिकारी श्री रविशंकर भी आज पहुंचते नजर आए, वो निरीक्षण करते हुए भी नजर आए आज? जी जी आदर्श, बिल्कुल, जिलाधिकारी जो है डीएम श्री रविशंकर हैं, उन्होंने जो है गंगा स्नान पर जो है जब आने वाला जो स्नान है उसको देखते हुए एक तरह से रिहर्सल कराई है और वहां के घाटों का निरीक्षण किया है और वहां पर जो कर्मचारी तैनात किए जाएंगे, एक तरह से उनको मॉक ड्रिल कह सकते हैं कि उनको भी उन्होंने एक प्रशिक्षण दिया कि कैसे भीड़ ना हो घाटों पे और जो स्नानार्थी हैं उनको ज्यादा देर गंगा में ना रुकने दिया जाए, फटाफट उनको हाथ से पकड़ के निकाला जाए। तो इस तरह की पूरी तैयारियों का जो है व्यवस्थाओं का डीएम ने जो है जायजा लिया है और आगामी कुंभ में भीड़ के जो है जो कुंभ स्नान होंगे कुंभ से पहले, तो वो भीड़ भी एक चुनौती बनेगी, कोरोना भी एक चुनौती है, उस सब की दृष्टिगत देखते हुए उन्होंने जो वहां पर जो है निरीक्षण किया और आगे भी जो है वो बार बार जो है निरीक्षण कर रहे हैं, स्थितियों का जायजा ले रहे हैं, घाटों पर भीड़ ना हो और कोरोना की जो है दृष्टिगत जो है दूरी, दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी, ये सब भी जो है इसमें जो है व्यवस्थाओं पर नजर रखी जा रही है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार आपका तमाम जानकारी देने के लिए। वहीं मसूरी विधायक गणेश जोशी ने उप जिला अधिकारी कार्यालय में अलग अलग विभागों की समीक्षा बैठक की है। विधायक ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि पर्यटन सीजन से पहले सभी निर्माण कामों को पूरा कर दिया जाए ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। साथ ही उन्होंने शौचालयों के रखरखाव और निर्माण के संबंध में भी अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। बैठक में पार्किंग का मुद्दा छाया रहा, जिस पर विधायक गणेश जोशी ने की क्रेन के पास निर्माणाधीन पार्किंग को जून महीने तक पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया और पालिका के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वो पालिका की जमीन को चिन्हित कर वहां पर पार्किंग के निर्माण की योजना बनाकर दे ताकि उस पर कार्रवाई की जा सके। बैठक में शहर में बहते खुले सेवर को लेकर भी विधायक गणेश जोशी ने अधिकारियों को फटकार लगाई है
और जल्द ही सीवर की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। विधायक गणेश जोशी ने बताया है कि सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, साथ ही सभी कामों को समय पर पूरा करने का निर्देश भी दिया गया है। समय समय पर विभागीय अधिकारियों से बातचीत करके यहाँ की जो जन समस्याएं हैं उनका निवारण कराया जाए, सारे बुलाया था और बैठकर कुछ चीजों का हल मौके पर निकला है। आज माननीय विधायक जी द्वारा जो यहाँ के जो विभाग है उनकी समीक्षा बैठक ली गई है, उसमें कई बिंदुओं पे जो है समीक्षा ली की गई। पहला तो ये कि प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ और प्रोजेक्ट का फिनिश टाइमलाइन क्या है और कहाँ कहाँ चीजें हैं जहाँ कमियां पाई गई हैं, उसमें क्या क्या कार्रवाई होनी है उसके विषय में ये किया गया है। जसपुर का तीरथनगर क्षेत्र के वन क्षेत्र में ये आता है, जिसे राजस्व गांव ना होने की वजह से वहां पर मूलभूत सुविधाओं की कमी है। वहीं जसपुर के बीजेपी नेता और पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल के प्रयासों के बाद वहां के लोगों को मूलभूत सुविधाएं दिलाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें एक कैंप लगाकर राशन कार्ड में बिजली के कनेक्शन मुहैया कराने पर वहां के लोगों में काफी खुशी दिखाई दे रही है। पिछले कुछ वर्ष पहले मैंने प्रयास से वहां बिजली तीरथनगर तक पहुंचवाई थी और कुछ लोगों ने उसमें कनेक्शन लिए, उसका परिणाम ये हुआ कि आज उनकी खेती अच्छी हो रही है और बहुत अच्छा उनकी जो फसल से पैसा मिल रहा है, उनका जनजीवन में सुधार हो रहा है। अब जो लोगों ने कनेक्शन नहीं लिए उनके मांग थी कि हमें भी कनेक्शन दिलाया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप बने रहिए साधना प्लस के साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है, इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011-4545-4545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। आपको वॉल पुट्टी का स्पेशलिस्ट चाहिए, ये लीजिए सकर्णी वॉल गार्ड। आपसे दीवारों के लिए सिर्फ सकर्णी वॉल गार्ड। सकर्णी वॉल गार्ड, रखे दीवार जानदार शानदार, वादा नहीं तावा है। आप सबको पता है श्री प्रेम धाम आश्रम में हरि कृपा रामबाण तेल और हरि कृपा रामबाण पाउडर बनाए जा रहे हैं। तेल जॉइंट पेन के लिए, घुटने का कितना भी पुराना दर्द क्यों ना हो, घुटने में गायब हो, ग्रीस कम हो, जो लोग ऑपरेशन करवाना चाहते हो, मैं उन लोगों से आग्रह करूंगा कि मात्र 3 दिन इस तेल का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आपको लगे कि हमने घुटने का ऑपरेशन करवाना है या हमारे घुटने ठीक नहीं हुए, फिर ऑपरेशन करवाइए। मात्र 3 दिन, जो लोग लाचार थे, सीढ़ी नहीं चढ़ सकते थे, नाता पोती के साथ नहीं खेल सकते थे, आज भगवान की ऐसी कृपा हुई, इस तेल का इस्तेमाल करने से, मात्र 3 दिन इस्तेमाल करने से बड़े ऑपरेशन होने से बच गए। और ये पाउडर जो हरि कृपा रामबाण पाउडर प्रेमधाम की ओर से बनाया जा रहा है, पेट की सभी बीमारियां, एसिडिटी बढ़ना,
गैस बनना, भूख ना लगना, नींद ना आना, ये एक ऐसा पाउडर है पेट का कितना भी पुराना कैसा भी दर्द क्यों ना हो, क्योंकि पेट बीमारियों की जड़ है। इसी वजह से हमारी नसें ब्लॉक होती है, क्योंकि आजकल का हमारा खान पान फास्ट फूड हो गया है। इस पाउडर को मात्र 2 से 3 ग्राम रात्रि सोते समय खाओगे और 10 दिन के बाद देखोगे किस प्रकार हमारी पेट की बीमारियां एकाएक गायब हो गई। और इस पाउडर को, इस तेल को इस्तेमाल करते समय क्या मांगना है, सबका मांगना। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी, हर हिंदुस्तानी की शान, एआरबी बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। We all know what school is like. We went every day. But these schools are different. They're never boring and never ordinary. Here, children have fun. Here, children